हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, फैला देना दोस्तों में, ठीक ना। और चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर लेना है। चलिए, आज का सेशन हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, और इस सेशन के माध्यम से हम सारे के सारे हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, ठीक ना। 90%+ यहाँ पे स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, बिना किसी देरी का हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो देखो, जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है, ठीक ना। क्या होती है, अनंत होती है। इस तरीके से आपको टिक कर लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 होता है, या 1 से कम होता है, या 1 से अधिक होता है, या अनंत होता है। तो समतल दर्पण का जो निर्मित प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन, यानी m का मान बोल रहा है, m का मान क्या होता है, तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। देखो, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी दिया रहेगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक ना, एग्जाम में डायरेक्ट। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और आपसे उस दर्पण की फोकस दूरी पूछ देगा, ठीक ना। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर आर बराबर एफ बाई टू, आर बराबर टू एफ, आर बराबर एफ, आर बराबर फोर एफ। तो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आर बराबर टू एफ। क्या होता है, आर बराबर टू एफ, ये करेक्ट हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि f बराबर r बटे का 2, ठीक ना, f बराबर क्या होता है, r बटे का 2। चलिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक ना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखो, यहाँ पर एफ का मान दिया गया है, एफ का मान कितना दिया गया है, 10। एफ का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 10, और यहाँ पे आपका आर का मान बोल रहा है, तो 10 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20। कैसे होगी, आर बराबर 2 इंटू एफ, एफ का मान क्या है, 10, तो आर बराबर यहाँ पे से निकाल लो, 20 सेंटीमीटर, ठीक, इस तरीके से। चलिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखो, ऑप्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जाम ऑप्शन सेट करता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10^7 मीटर पर सेकेंड, 3×10^-8 मीटर पर सेकेंड, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, 3×10^10 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, दर्पण का सूत्र क्या होता है, एग्जाम में पूछता है कि दर्पण का सूत्र लिखो, तो दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f क्या है, f है आपका फोकस, फोकस लेंस, फोकस दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब। u क्या है, वस्तु की दूरी। समझ गए इतनी चीज़ें। चलिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक लेंस की क्षमता, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, 1D का मतलब 1 डायोप्टर, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो, लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/f, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, ये जो कंडीशन होती है, P बराबर 1/f, f का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, और P का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। इतनी चीज़ें पहले समझो, ठीक ना, इस तरीके से। तो एक लेंस की क्षमता, यहाँ पे P का मान दिया गया क्या, 1, तो फोकस दूरी बताना है, तो 1/1 यहाँ पे इसका आ जाएगा 1, क्योंकि मीटर में है, तो आपको यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रहा है, तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर,
इस तरह के सबको हर सवाल को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखो उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा ही उल्टा बनता है। लेकिन एक और बात, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है ये आपको बताना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक होगी, यहाँ पे वास्तविक नहीं होगी, क्या होगी, आभासी होगी। अभी बताता हूँ आभासी कैसे होगी, आभासी होगी और उल्टा होगी, ये वाला ऑप्शन सही है। देखो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, उठे हुए भाग से पे कलाई की गई होती है, ठीक ना, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर वस्तु रखोगे तो हमेशा क्या बनेगा, दर्पण से पीछे इस पर नहीं लिया जाता है उत्तल दर्पण को, ठीक ना, और किसी भी दूर की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। कौन से दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, कहने का मतलब कि कौन सा दर्पण दूर की वस्तु को देख ज़्यादा देख सकता है, तो उत्तल दर्पण। देखो गाड़ी के वाहन में जो शीशा लगा होता है उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है ये आपको बताना है, लाल में, पीले में, बैंगनी में, हरे में। तो कांच का अपवर्तनांक किस रंग में ज़्यादा होता है, तो बैंगनी में ज़्यादा होता है, ठीक ना, बैंगनी में ज़्यादा होता है, लाल में सबसे कम होता है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर में संबंध बताइए। आपतन कोण आई और आर में संबंध क्या होता है, परिवर्तन कोण। तो देखो ये एक प्रकाश के परिवर्तन का ये नियम भी है, क्या है, एक नियम भी है कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, ठीक, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, हर कंडीशन में बराबर होता है। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा का नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे देखो R का मान दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक, और आपसे F का मान बता रहा है, F का मान पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है, R बटे का 2, यहाँ से F निकाल लो, R का मान 32 बटे का 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखो। तो अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, क्या बनाने में, दाढ़ी बनाने में, ये इसका पहला उपयोग। और दूसरा का उपयोग जो होता है वो होता है नाक, ठीक ना, या कान में की जो चीज़ों को देखने होता है, ठीक ना, या शरीर के अंदर की चीज़ों को अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, ठीक ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बोल दो नाक कान, ठीक ना, के घाव देखने में, ठीक ना। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि जब फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो वहाँ पे R का मान यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो R बराबर क्या होता है, 2f, R बराबर क्या होता है, 2 into f, ठीक। तो R का मान आपको निकालना है 2, यहाँ पे F का मान दिया गया 10, तो यहाँ पे आगे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया था हमारा, सेंटीमीटर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश क्या है, बोल रहा है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, यहाँ पे लिखोगे प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ठीक ना, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है, कौन सी तरंग है, यहाँ पे दूसरा का स्टेप लिखोगे तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य
तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है जो सीधी रेखा में चलता है। यहाँ पे लिखोगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है मतलब कि चलता है। जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और ये हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। इतना तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।